दोस्तों लाइट्स पूरी तरीके से ऑफ है, बिल्कुल डार्क है। अब यहाँ पर मैंने इसे अपने वार्डरोब में रख दिया है। मैं वार्डरोब को ओपन करता हूँ और देखते हैं लाइट ऑन होती है कि नहीं। तो देखिए इस तरीके से लाइट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। सो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक जादू वाली लाइट। जी हाँ, जादू वाली लाइट आप इसे समझ सकते हैं, कह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी है, ना ही कोई आपको तार का झंझट है, ना आपको कोई स्विच लगाना है। जस्ट इसे लेकर आना है और इसे कहीं पे भी लगा देना है और इसका जादू स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताने वाला हूँ। क्या है फीचर्स, क्या है एक्सपीरियंस मेरा, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज ये है आपके सामने Realme मोशन एक्टिवेटेड और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कैसी है फीचर्स वगैरह इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं तो काफी कॉम्पैक्ट और काफी लाइट वेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको एक ऐसा रिंग भी मिल जाता है जो कि मैग्नेटिक की तरह यहाँ पे चिपक जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ और साथ ही में आप इसे यहाँ पर आप कभी भी लगाएंगे किसी भी वॉल पे या कहीं पर भी, तो यहाँ पर आपको एक कागज दिया गया है जिसे आप यहाँ से पील कर सकते हैं। उसको खींच के आप उसे चिपका दीजिए और उसके ऊपर एज इट इज ये चिपक जाता है यूं। तो यहाँ पर आपकी लाइट चिपक जाती है और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है। तो बेसिकली इस टाइप की बैटरीज आपको इसी के साथ में मिल जाती है जिसका नाम है अल्कालाइन बैटरी, जो कि Realme की तरफ से ही है। और इस वाले डिवाइस के अंदर यहाँ पर तीन ऐसी बैटरीज लग जाती है जिसका बैकअप आपको 365 डेज का मिल जाता है। जी हाँ, 365 दिन ये बैटरी एक साल के लिए काम करती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि एक बार के लिए आपको तीन बैटरीज इसके अंदर मिल जाती है। अब बताता हूं कैसे आपको इसे ओपन करना है। तो इसे हटा देना है और यहां पर आप गौर से देखते तो यहां पर आपको निशान दिया गया है, बनाया गया है कि आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर रखिए हाथ और इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, चाहे तो आप यहां घुमाइए चाहे इसको यहां घुमाइए, बट यहां लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर आपको तीन बैटरीज देखने को मिल जाती है और साथ में यहां पर आपको मैग्नेटिक भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट फोर्स के कारण यहां पर ये जो चीज है ये चिपक जाती है इससे एज इट इज। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा कभी भी डायरेक्ट मत लगाइएगा, ये कवर कभी भी घूमे नहीं, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। सो बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहां पर ये तीन बैटरीज हमें कंपनी की तरफ से मिल जाती है जिसके लिए आपको इसे यहां पर ऐसे लगा देना है और आपकी लाइट स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आप लाइट की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, तो जिसको मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए ये मैंने फ्रंट में लाइट कर ली है और मैं यहां पे इसे चेंज करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा लाइट को डिम करके भी दिखा देता हूं। यहां पर हमने लाइट को थोड़ा सा डिम कर दिया है, अब मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूं। तो इस तरीके से ये ऑन हो जाती है। यहां पे देखिए एक बार मैं चालू करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर ये ऑन ऐसे नहीं होगा, ये मोशन एक्टिवेटेड है दोस्तों। तो आपको एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार सेल बाहर निकाल के, क्योंकि लाइट्स ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बार ऐसे किया और लाइट आप देखिए ऑन हो जाता है, जहां पर आपको 2800K की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और यहाँ पर वार्म लाइट है जो कि आपके आंखों को भी चुभती नहीं है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा तेज करना चाहता हूँ तो थोड़ा ये तेज भी हो जाता है इस तरीके से, और आपकी ब्राइटनेस जो है लाइट की वो बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू योर एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑफ भी अपने आप होनी चाहिए, ऑन भी होनी चाहिए। तो यस, ये अपने आप ही ऑन होगी, अपने आप ही ऑफ होगी, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 15 सेकंड्स का है। एक बार अगर आप अंधेरे में जाएंगे लाइट ऑन होगी तो 15 सेकंड्स तक ये जलती रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो चलिए कुछ आपको सैंपल करके दिखाते हैं या सैंपल वीडियो समझ लीजिए। तो हाल फिलहाल मैं इसे यहां से कर देता हूं बंद, जिसे हमें लॉक कर देना है। इसे यहां से हमने कर दिया है लॉक, इसे हम यहां पर चिपका लेते हैं और ये हमारा एक तरीके से लाइट स्टार्ट हो गया है और अब इसे हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों लाइट्स पूरी तरीके से ऑफ है, बिल्कुल डार्क है। अब यहां पर मैंने इसे अपने वार्डरोब में रख दिया है। मैं वार्डरोब को ओपन करता हूं और देखते लाइट ऑन होती है कि नहीं। तो देखिए इस तरीके से लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर आप जब भी वार्डरोब ओपन करते हैं तो वहां पर आपको नया स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक ये मोशन एक्टिवेटेड लाइट रख दीजिए, आप जब भी इसके नजदीक आएंगे तो ये एक सेंसर एक्टिवेटेड मोशन लाइटेड है जो कि इसको एक्टिवेट करता है और इस तरीके से लाइट चालू हो जाती है और आप अपने सारे काम जो भी करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं और आप यहां देखते हैं तो लाइट अभी ऑफ पड़ी है, लेकिन हम जैसे ही उसके नजदीक जाते हैं लाइट के तो यहां पर आके ये ऑन हो जाती है। तो देखिए आप, ये ऑन हो गई है। सबसे दोस्तों काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आई गेस आप लोग के काफी काम आ सकता है। हमारे घर में कितने भी एजेड लोग होते हैं उनके लिए भी काफी काम आ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि एजेड लोगों के लिए, हम यंगस्टर्स भी जरूरत होती है हमें। कभी हम नीचे पैर रखते हैं तो हमें दिखता नहीं कुछ भी, हमारे जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं,
तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आपको रियलमी ने काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दिया है एक साल का, तो 365 दिन आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों, मैंने जो ख़रीदा था इसको अप्रॉक्स 499 ख़रीदा था, अभी जो प्राइस चल रही होगी अप्रॉक्स 570 के करीब चल रही होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ ऐसे लेना चाहते हैं तो वैसे तो आपको सस्ते में भी मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा था ये एक ब्रांड है तो ब्रांड की एक क्वालिटी भी मिल जाती है, तो मैंने रियलमी को परचेज़ किया। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने वीडियो के थ्रू, आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो गाइज, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये लाइट, आपके काम भी आ सकती है। आई नो ये थोड़ी कॉम्पैक्ट भी है, थोड़ी बहुत आपको कॉस्टली लग सकती है, बट यकीन मानिए मेरा एक्सपीरियंस इसको लेने के बाद काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए, यहाँ पे सैम्पल वीडियोस भी दिखाए मैंने आपको कि कैसे अंधेरे में जाके आपको ये लाइट आपके काम आ सकती है। हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग भी होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम वाली चीज़ है क्योंकि जल्दी से स्विच ऑन नहीं हो पाता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से आपके भी ये काम आ सकती है और आने वाले टाइम सब इन्हीं चीज़ों का होगा, यानी कि स्मार्ट गैजेट्स का होगा। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोग को हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर।